गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लास बी ए बी एड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक साहित्य। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी वो थी सिंधु सभ्यता। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के पश्चात जो नई सभ्यता आई वो थी वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के नाम पर ही इसके साहित्य का नाम भी क्या पड़ गया, वैदिक साहित्य पड़ गया। ठीक है, हाँ देखिए वैदिक साहित्य में हम पर साहित्य के मतलब को समझेंगे कि साहित्य किसे कहा जाता है। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास की हमें जहां से जानकारी मिलती है, या हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति की हमें जहां से जानकारी मिलती है, जो भी लिखित साक्ष्य हैं, जो किताबें हैं, जो लिटरेचर है, वो क्या है, हमारा साहित्य है। ठीक है, तो वैदिक काल में जो साहित्य लिखा गया जिससे हमें हमारे प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, हमारी प्राचीन संस्कृति की जानकारी मिलती है, उसे क्या कहा गया है, वैदिक साहित्य कहा गया है। ठीक है, तो अब हम इस वैदिक साहित्य की छोटी सी परिभाषा पढ़ते हैं कि क्या अर्थ है इस वैदिक साहित्य का। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य के बारे में हम ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला और विश्व का जो प्राचीन साहित्य है वो वैदिक साहित्य ही है। कहने का भाव ये है कि अगर हमें हमारी जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसके पुराने स्वरूप को जानना है कि क्या था, कैसे, क्या रहन सहन, क्या खान पान, क्या आचार विचार, क्या राजनीति, क्या आर्थिक स्थिति, क्या सामाजिक स्थिति थी, अगर उसके बारे में जानना है तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसी वैदिक साहित्य से ही मिलती है। और यही वैदिक साहित्य भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है। ठीक है, तो भारत का ये जो प्राचीन साहित्य है, ठीक है, इसकी जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। ठीक है, और देखिए इसकी भाषा क्या है, संस्कृत। इस भाषा को क्या कहते हैं, देव भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इस भाषा को देव भाषा, देव भाषा मतलब देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य को हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी किताबें या किस तरह का साहित्य है इस समय में लिखा गया था। ठीक है, तो वैदिक काल का जो साहित्य था उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, तीन युगों में बांटते हैं, तीन भागों में इस साहित्य को हम बांटते हैं। ठीक है, तो जो इसका पहला भाग है उसे क्या कहा गया है, संहिता का युग कहा गया है। देखिए संहिता से तात्पर्य है वेद। ठीक है, आप सब लोगों को पता है कि जो सबसे प्राचीन साहित्य है वो क्या है, वेद है। ठीक है, और वेद कौन से काल की रचना है, वैदिक काल की रचना है। ठीक है, इसे वैदिक काल भी इसीलिए कहा गया था, इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक साहित्य इसीलिए कहा गया था क्योंकि यही वो समय था जिसमें हमारे ये जो चार वेद, प्रमुख चार वेद माने गए हैं, ये लिखे गए थे। आप लोगों को हमारे चार वेद तो पता ही होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद। ठीक है, और ये वेद वो वेद हैं जिससे हमें हमारे प्राचीन संस्कृति की सारी जानकारी मिलती है, और ये वेद लिखे जाने के कारण ही इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ा, और इसका जो साहित्य था वो वैदिक साहित्य कहलाया, और सभ्यता का जो काल था वो वैदिक काल कहलाया। ठीक है, अब इन वेदों का जो सम्मिलित रूप हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, संहिता कह दिया जाता है। ठीक है, संहिता मतलब जब जैसे हम कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेद, अब अगर मैंने कह दिया संहिता मतलब इन वेदों का जो सम्मिलित रूप है उसे क्या कहा गया, संहिता कहा गया। संहिता का युग मतलब जिसमें संहिता लिखी गई या वेद लिखे गए। ठीक है,
अब देखिए आगे जानते हैं, जो दूसरा काल आया उसमें क्या लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथों का युग। ठीक है, देखिए जो वेद थे इनकी भाषा थोड़ी क्या थी, कठिन थी, और ये क्या है आम जन के लिए मुश्किल थे। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ब्राह्मण वर्ण था उन्होंने इन वेदों को सरल करके जो ग्रंथ लिखे, ब्राह्मणों ने लिखे थे, ठीक है, उसे क्या कहा गया, ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में जो था वो क्या था, वेदों का ही रूप परिवर्तित किया हुआ था, वेदों को सरल रूप में लिखा गया था, इसे क्या कहा गया था, ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की। ठीक है, तीसरे भाग में क्या लिखा गया, उपनिषद। ठीक है, और सूत्रों का, सूत्र साहित्य और आरण्यक लिखे गए। ठीक है, मतलब उपनिषदों से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान कराने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए वो उपनिषद लिखे गए। ठीक है, और आरण्यकों से जो मतलब है वो ये है, आरण्य मतलब जंगल, जंगल में जाकर आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, अध्यात्म से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए वो क्या कहलाए, आरण्यक कहलाए। अब देखो सूत्र साहित्य क्या है। ठीक है, वेदों का जो ज्ञान था वो क्या था, जटिल था, उस जटिल ज्ञान को सरल करके जहां लिखा गया वो सूत्र साहित्य कहलाए। ज्ञान तो क्या है, वही वेदों का ज्ञान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले भाग। ठीक है, जिसमें क्या लिखी गई, संहिता का युग। संहिता मतलब वेद, जैसे हम कह सकते हैं ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता। ठीक है, तो इसमें कोई वेद लिख दिया या ऋग्वेद, इसमें कोई आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसको ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, क्योंकि मैंने उनको संहिता लिखा है तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाना। तो सबसे पहले हम पहले भाग की बात करते हैं, संहिता का युग, जो जो संहिता लिखी गई। ठीक है, तो ये जो चार संहिता लिखी गई है, जो चार वेद थे इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे जो प्राचीन वेद है या जो सबसे बड़ा वेद है, या हम कह सकते हैं कि वैदिक काल जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में तो ऋग्वेद आ जाता है, और जो बाद के तीन वेद हैं, अथर्वेद, सामवेद, सॉरी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये क्या है, उत्तर वैदिक काल की रचना है। ठीक है, तो जो वैदिक काल का जो सबसे बड़ा वेद है वो है ऋग्वेद, या हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो वैदिक साहित्य है उसकी जो सबसे ज्यादा जानकारी हमें मिलती है वो इसी ऋग्वेद से ही मिलती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब ऋग्वेद की। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में क्या है, 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब उक्ति, उक्ति मतलब अच्छी बात। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो वेद है, ये जो ऋग्वेद है, ये क्या है, पद्यांश में लिखा हुआ है, पद दोहे नहीं होते। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो हमारा ऋग्वेद, जो हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये कहाँ से है, ये ऋग्वेद से तो है। ठीक है, दोहों के माध्यम से दोहा ही है ये। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है, 1028 सूक्त है, सूक्त मतलब अच्छी बातें हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि अच्छे मंत्र हैं। ठीक है, तो ये जो 1028 सूक्त है, और ये जिसमें बटे हुए 10 मंडलों में बटे हुए हैं। ठीक है, मंडल से मतलब है हमारा लेसन से। ठीक है, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था 5 यूनिट है। ठीक है, और 5 यूनिट में, मैंने आपको जब सिलेबस के बारे में पहले वाली क्लास में बताया था, 5 यूनिट है, एक यूनिट में आगे 4 टॉपिक हैं, या किसी में 5 हैं, या जो भी है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी क्या है, 10 मंडल है, 10 लेसन है। ठीक है, और हर लेसन में आगे पार्ट बने हुए। कहने का भाव है कि जो उक्तियां हैं, या जो अच्छी बातें हैं, या जो ऋग्वेद के जो मंत्र है, वो इन्हीं 10 मंडलों में है। ठीक है, इन मंडल, ये जो मंत्र है
जैसे 10 मंडल हैं, एक में जैसे 50, 100, किसी में 300, ठीक है, इस तरह क्या है 10 मंडलों में डिवाइड हैं, बटे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है सुक्तियां हैं 10 मंडलों में, ठीक है, इनमें क्या है, इन मंत्रों में क्या है, देवताओं की स्तुतियां की गई हैं, देवताओं को याद किया गया है, देवताओं की स्तुतियां हैं जो क्या है बड़ी भव्य और काव्यमयी है। और इसी ऋग्वेद से हमें प्राचीन भारत की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति का पता चलता है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में जाना, ठीक है, और आगे का जो है वो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे यजुर्वेद के बारे में। आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।